नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। तो आप देख रहे हैं पब्लिक लैंग्वेज। आज आपको बताना चाहेंगे कि हम भांडापारा विधानसभा में हैं और यहाँ पर जो है कि चुनावी माहौल का बिगुल तो पूरे छत्तीसगढ़ में बज चुका है। इसी तारतम्य में आज जो है कि यहाँ पर जो विधायक प्रत्याशी कांग्रेस के रूप में जो है कि यहाँ पर इंद्र कुमार साहू जी को मिला है और उनका जो है कि लगातार जनसंपर्क अपने क्षेत्रों में चालू है। क्या कुछ बातें हैं, कैसी रहेगी उनकी आगे की सोच और कैसे पार पाएंगे, हम उनसे चर्चा करते हैं, बताएं। देखिए, हम लोग अब इस थीम में चल रहे हैं कि हमल भरोसा है बरकरार, फिर लाभो कांग्रेस सरकार, इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। आप जो है कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आप 4 बार के यहाँ के पार्षद भी हैं, कैसे आप ग्रामीण अंचलों में और जैसे सिमगा जैसे क्षेत्रों में अपनी जो है कि प्रादुर्भाव बनाएंगे? देखिए, क्या है, प्रारंभ से मेरा तो जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा सब भाटापारा विधानसभा के अंतर्गत ही हुआ है और मेरे साथ में व्यापारी जो आज जो व्यापारी हैं वो भी कहीं कहीं किसी न किसी क्लास में मेरे साथ पढ़े हैं, या मेरे बाबूजी टीचर थे तो वो उनको पढ़ाए हैं, या मेरे भैया लोग हैं उनके साथ उनकी दोस्ती यारी रही है, ऐसा पूरा मेरा पारिवारिक संबंध है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बहुत से गाँव में मेरे रिश्तेदार ही है और जो और भी जो किसान भाई है उनका सतत मैं बीच बीच में उनका जो भी समस्याओं का निराकरण करते रहा। हालांकि मैं छोटे से पार्षद पद पर था लेकिन विधानसभा स्तर के भी कई ठोर की समस्याओं को मैंने हल किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से कीचड़ से कमल उगता है और कांग्रेस पार्टी ने आपको एक भांडापारा विधानसभा से निकाला, कहा जाए आपको उम्मीदवार बनाया, अब उनके प्रति आपकी सोच और स्थिति और परिस्थिति को कैसे आप जो है कि आगे करेंगे? मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़े कांग्रेस पार्टी ने यदि स्थान दिया है तो कहीं कहीं उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा निचले स्तर के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास की है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहूंगा। और मेरे साथ युवा साथी तो इतने उत्साहित हैं कि उनको इतना मजा आ रहा है प्रचार प्रसार में कि पता नहीं विधायक बनने के बाद इनकी खुशी का क्या पैमाना होगा, मैं कह नहीं सकता। एसटी एससी और साहू समाज और राउत समाज का भी काफी यहाँ मतदाता है, तो समाज को लेकर और जाति समरण को लेकर की कैसे आप की विचार रहे? जी, मैं तो टिकट का जब फाइनल हुआ तो सबसे पहले तो मैं गिरौदपुरी धाम जाकर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद लेकर प्रचार प्रसार पर शुरू किया और मेरे सभी वर्गों से मेरा सतत संपर्क रहा है और सभी वर्गों से कोई ऊंच नीच छोटा छुआ छूत ये सब चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। और मेरा जब से अपना कहा जाए मैं राजनीति प्रारंभ किया हूँ या सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया हूँ तो सभी लोगों का मेरे को आशीर्वाद शुरू से मिलते रहा है और मेरे को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा इस चुनाव में, ऐसी मेरे को संभावना और मेरे को पूरा विश्वास है इसमें। आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में जो है कि शिवरतन शर्मा जो लगभग 5-6 वर्ष के उम्मीदवार हैं और अभी भी विधायक हैं, कैसे आप बीजेपी और कांग्रेस की तोड़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे और बीजेपी के प्रत्याशी का जो व्यक्तित्व है जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि वो अभी तक अपने लिए किए और मैं आम जनता और गरीबों के लिए करता हूँ, तो इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। कांग्रेस की विकास की जो लहर बह रही है और आप भी कुछ सोच रहे हैं, घोषणा पत्र भी आएगा जी, इनको लेकर के कुछ बातें आप रखना चाहेंगे तो? देखिए, पिछले 15 साल भाजपा का और 5 साल कांग्रेस का, लेकिन 5 साल में भी 2 साल हम कोरोना काल को छोड़ेंगे ना, तो 5 साल के पीछे 1 साल कांग्रेस का, और जो उपलब्धि हम देख रहे हैं आज तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में एक रोल मॉडल के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है और इसका दूसरे प्रदेश की जो सरकार है वो नकल कर रही है। घोषणा पत्र में तो जो वादे किए थे वो तो पूरा किए ही, जो वादे नहीं किए थे ऐसे भी योजना को लागू किए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे कांग्रेस की सरकार और हमारा विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है वो उसकी कल्पना कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं कर सकते। कांग्रेस में एकजुटता कुछ अलग उथल पुथल भी दिखाई दे रही है, क्या इसको भी कुछ लेकर के आप साथ में चलेंगे? देखिए, हमारा कांग्रेस का परिवार बहुत वृहद परिवार है और बड़े परिवार में तो सबका अलग अलग विचार होता है, लेकिन चुनाव हम बहुत ही दमखम से और सबका सामंजस्य से लड़ रहे हैं, कहीं कोई किसी के मन में कोई दुर्भावना या कोई किसी का विरोध नहीं है। बीजेपी वाले तो कुछ भी बात करते हैं उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और हमारी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी
और पूरी जनता और मतदाता का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, तो हमको तो कहीं पर कोई शंका वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी। अंतिम रूप में एक बात और कहना चाहूंगा, आप एक विधायक प्रत्याशी, हर किसी प्रत्याशी की एक सोच रहती है, चाहे वो गांव में हो, नगर में हो, नगर परिषद में हो, नगर पालिका में हो, तो मैं ये बनूंगा या मुझे उम्मीदवार बनाया मैं जनता के लिए करूंगा, ऐसा कुछ भाव रहता है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी शुरू से सोच ये रही है कि मैं जो पहले पार्षद नहीं था और जो देखता था समस्या, जो देखा कि लोगों की बुनियादी सुविधा यदि नहीं हो पा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जनप्रतिनिधि के लिए बहुत सर्व की बात है कि हमको वो चुने हैं अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए। और हमने देखा है कि भाटापारा विधानसभा में एक लंबे समय तक अभी भाजपा के विधायक रहे और लोग ऐसे ऐसे समस्या के लिए तरसते रहे कि ये हमको देखकर शर्म आती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी पुनरावृत्ति हो, क्योंकि मैं पार्षद रहा हूं तो गरीब मजदूर किसान और महिला युवाओं के लिए जो काम किया है मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं। और आप पता करिए मैं जहां जहां पार्षद रहा हूं वहां उन लोगों को मतलब मेरे ऊपर कैसा उनका विश्वास और आशीर्वाद बना रहा, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्षद हर कोई भी नहीं बन सकता और पार्षद पद का जो महत्व है उसको यदि कोई समझ ले तो जनप्रतिनिधि का सही उसको जो भी काम या उनको सेवा करना है वो सब पता चल जाएगा। तो ये बातें इंद्र कुमार साहू जी कही, उनकी सोच है कि बुनियादी जो बातें हैं उनको हम आगे करें, उनकी तरह। मैं राघवेंद्र सिंह भाटापारा से।